तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ सिम्फनी का एयर कूलर, जिसका मॉडल नंबर है हाई फ्लो। इसकी कैपेसिटी है 240 लीटर्स की। इसका प्राइस है दोस्तों 6,500 रुपये में। दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अमेजोन की लिंक है, आपको प्राइस चेक करना है तो प्राइस चेक कर सकते हो, या फिर मेरी दी गई लिंक से आप सिम्फनी का ये एयर कूलर दोस्तों आप बाय कर सकते हो। दोस्तों सिम्फनी का एयर कूलर की अगर हम प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करेंगे तो सिम्फनी एयर कूलर की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शानदार होती है। इनकी सर्विसिंग भी काफी अच्छी है, इजीली सर्विसिंग अवेलेबल है। इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी काफी ज्यादा स्टडी प्रोडक्ट आते हैं, मतलब ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे इनके प्रोडक्ट होते हैं। इस एयर कूलर के अंदर दोस्तों आपको व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, यानी आप इसको 360 डिग्री में इजीली मूवमेंट कर सकते हो। काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इजी टू कैरेबल है, मतलब इजीली आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हो। अगर आपको इसे कूलर में पानी भरना है तो आगे की तरफ से आप पानी भर सकते हो। इस एयर कूलर के अंदर दोस्तों कोई भी फैंस नहीं देखने को मिल जाता। इस एयर कूलर के अंदर आपको ब्लोअर देखने को मिल जाता है, यानी ये ब्लोअर पे काम करता है। इस एयर कूलर की अगर मैं कवरेज एरिया की बात करूँ तो ये आपका 180-190 स्क्वायर फीट का जो कमरा होगा वो इजीली कवर कर लेगा, गर्मियों में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देगा। इसके लिए आपको इस एयर कूलर में ठंडा पानी डालना पड़ेगा। ठंडा पानी डालिए, आपको काफ़ी कंफर्टेबल एयर आएगी। पानी डालने के लिए आगे की तरफ नोजल, ये ढक्कन होता है, ढक्कन खोलिए, ठंडा पानी भर दीजिए, कंफर्टेबल फील होगा। या फिर नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हो, ठंडा पानी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कूलिंग मिलेगी, काफ़ी अच्छी मिलेगी, मतलब जो आपका जो एरिया होता है दोस्तों फटाफट कवर करेगा। ऊपर की तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे दो नॉब्स, जहाँ से जो एयर फ्लो कम या ज़्यादा कर सकते हो, या वाटर पंप ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसमें इस एयर कूलर को दोस्तों वीडियो में एयर फ्लो पता नहीं चलता है, तो मैंने यहाँ पर रुमाल लगा के दिखाया है कि एयर कूलर में फ्लो कैसा आ रहा है, एयर का थ्रो कैसा आ रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों एयर का थ्रो इसमें बहुत अच्छा, एयर का थ्रो निकल के आता है, यानी एयर फ्लो बहुत अच्छा है। आराम से 180 स्क्वायर फीट 190 स्क्वायर फीट इजीली कवर कर लेता है। एयर फ्लो क्वालिटी बहुत अच्छी है इस एयर कूलर के अंदर दोस्तों। दोस्तों सिम्फनी का ये एयर कूलर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। इस एयर कूलर के अंदर दोस्तों PM2.5 माइक्रोन फिल्टर, डस्ट फिल्टर, बैक्टीरिया फिल्टर्स, यानी ऐसे कुछ एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर लगे हैं जो कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी कर रहा है। और दोस्तों इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो दोस्तों ये 150 वॉट पावर कंज्यूम करता है। इस एयर कूलर को दोस्तों सिम्फनी के इस एयर कूलर को आप होम इन्वर्टर में भी आसानी से चला सकते हो। ऊपर की तरफ दोस्तों बैक साइड में आपको ओवरफ्लो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर पानी कभी ओवरफ्लो ना हो जाए। और बैक साइड में एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी कि ये 150 वॉट पावर कंज्यूम करता है। और ड्रेन होस दोस्तों नीचे की तरफ से दिया हुआ है, एक नीचे से बुश लगी होती है, अगर आपको ड्रेन करना है तो बुश निकाल के आपको ड्रेन कर देना होता है कूलर्स को। व्हील्स काफ़ी अच्छे, इजीली टू आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। अगर दोस्तों आप ये सिम्फनी का ये कूलर लेना चाहते हो तो इसका मॉडल नंबर बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों इसके बैक साइड में हनीकॉम का पैड लगा हुआ है, यानी वन साइड हनीकॉम पैड है। हनीकॉम पैड की क्वालिटी बात करें तो हनीकॉम की जो पैड की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। हनीकॉम का अगर पैड निकालना है तो बैक साइड में कुछ स्क्रूज लगे होते हैं, स्क्रूज खोल के आपको फिर वो पैड को निकालना होता है। यानी इसकी ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी, फैंस क्वालिटी, यानी ब्लोअर की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी है। कूलिंग के साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी कर रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टडी प्रोडक्ट है। इसकी अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 1 ईयर की आपको कंप्लीट वारंटी मिलती है। कुछ भी खराबी आती है तो टोल फ्री नंबर पर फोन करना है, टेक्नीशियन आपके घर पर आएगा। इसका मॉडल नंबर और बाइंग लिंक दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए आप चेक भी कर सकते हो। और ये दोस्तों एयर तो सिम्फनी का एयर कूलर एनर्जी एफिशिएंट है, यानी पावर सेविंग काफ़ी अच्छी करता है। दोस्तों सिम्फनी के इस एयर कूलर के ऊपर आपको कुछ स्टिकर्स लगे हुए देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये एनर्जी एफिशिएंट एयर कूलर है, इसका टोल फ्री नंबर क्या है, और ये कूलर एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है, यानी आई प्योर की टेक्नोलॉजी, कुछ उसके स्टिकर भी लगे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वारी है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।